अगर आपने अपनी व्हीकल फाइनेंस पर ली है और आप उसकी ईएमआई पे करते हैं तो सिर्फ आप ही उसके ऑनर नहीं है बल्कि कोई और भी उसका ऑनर है जिसका नाम आपको आपकी आरसी में मिल जाएगा। जैसे आप इस आरसी में देखिए यहाँ पर हाइपोथिकेट किया गया है एचडीएफसी बैंक को, यानी एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पर लोन दिया है इस व्हीकल को परचेज करने के लिए, इसलिए इस व्हीकल पर एचडीएफसी बैंक का भी राइट है। जी हाँ, अगर आप फाइनेंस पर कोई व्हीकल लेते हैं, आप उसकी ईएमआई पे कर रहे हैं, तो आपके साथ साथ ही आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक भी उसका ऑनर होता है। और अगर आप टाइम पर ईएमआई पे नहीं करेंगे तो उनके पास आपके व्हीकल को सेल करने तक का राइट होता है। एचपी यानी हाइपोथिकेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाइपोथिकेशन की डेफिनेशन सरफेसी एक्ट 2002 में दी गई है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि जब बैंक आपको पैसे देता है व्हीकल परचेज करने के लिए और उन पैसों के बदले में आपको सिक्योरिटी नहीं देते हैं, तो आपकी व्हीकल ही सिक्योरिटी बन जाती है। और अगर आप टाइम पर ईएमआई पे नहीं करते हैं तो बैंक के पास राइट हो जाता है आपकी व्हीकल को सेल करने का। इसी को एचपी या हाइपोथिकेशन कहा जाता है। जब तक कोई आरसी हाइपोथिकेटेड होगी, आप उसको ना तो ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही आप सेल कर सकते हैं। आरसी से एचपी यानी हाइपोथिकेशन रिमूव करने के लिए पहले आपको पूरी ईएमआई पे करनी होगी। जैसे ही आप ईएमआई पे कर देते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद आपके एड्रेस पर कंपनी की तरफ से एनओसी आ जाती है, या फिर आप एक साथ में ही पूरा बैलेंस पे कर सकते हैं। उसमें आपको बैलेंस पे करने के बाद एक रिसिप्ट लेनी है और उसके कुछ दिनों के बाद ही आपको एनओसी मिल जाती है। एक बार आपको एनओसी मिल जाने के बाद अब आप आरसी से हाइपोथिकेशन रिमूव करा सकते हैं। सो इस एचपी या हाइपोथिकेशन को कैसे रिमूव करना है, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि एचपी रिमूव करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको 8 डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। सबसे पहला है फॉर्म 35। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको ये डाउनलोड करना है और प्रिंट करके इसको फिल करना है। यहाँ पर आप रजिस्टरिंग अथॉरिटी का नाम डालेंगे, नीचे यहाँ पर व्हीकल नंबर देंगे, यहाँ पर डेट देंगे और यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे रजिस्टर्ड ऑनर के, और यहाँ पर फाइनेंशियर के सिग्नेचर और उसकी ऑफिशियल सील आ जाएगी, चाहे वो बैंक हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, यहाँ पर डेट आ जाएगी। सेकंड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए क्योंकि ये आरटीओ में जमा हो जाएगी और फिर आपको एक न्यू आरसी मिलेगी जिस पर ये हाइपोथिकेशन नहीं होगा। थर्ड डॉक्यूमेंट है इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके पास एक वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। फोर्थ डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप अपना वोटर आईडी कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस या अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 फिल करेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सेवेंथ डॉक्यूमेंट है एनओसी, जिससे आपने व्हीकल परचेज करने के लिए लोन लिया था, जिसने आपकी व्हीकल को फाइनेंस किया था, उससे आपको पूरी ईएमआई फिल करने के बाद एक एनओसी मिलेगी, वो आपको लेकर रखनी है। और एट डॉक्यूमेंट है चेसिस एंड इंजन पेंसिल प्रिंट। इसको लेने का तरीका ये है कि आप अपनी व्हीकल पर जहां चेसिस और इंजन नंबर लिखा हुआ है वहां पर एक पेपर रखेंगे और उसके ऊपर पेंसिल फेरेंगे, तो इस तरह से नंबर उभर कर सामने आएंगे। तो एचपी रिमूव करने से पहले आपके पास ये 8 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो अब आपको एचपी रिमूव करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ब्राउजर में टाइप करेंगे parivahan.gov.in, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन होगी, यहाँ पर आपको अपनी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहाँ आपको ऑनलाइन सर्विसेज में सेकंड ऑप्शन चूज करना है या आप नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी व्हीकल का चेसिस नंबर डालना है, आपको फुल नंबर नहीं देना है बल्कि लास्ट 5 डिजिट्स यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन सिलेक्शन का, इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसमें आपको टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑनर की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और देखिए यहाँ पर हाइपोथिकेशन डिटेल्स आ जाएगी, हाइपोथिकेशन कौन है इसका फाइनेंशियर, एचडीएफसी बैंक है, कब से है, 24 अगस्त से है। अभी आप नीचे आएंगे और यहाँ पर इंश्योरेंस डिटेल्स फिल करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी का नाम डालेंगे, यहाँ पर पॉलिसी नंबर देंगे और यहाँ पर डेट देंगे।
इसके बाद बैक ऊपर आएंगे और यहाँ टर्मिनेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टर्मिनेशन की डेट चूज कर लेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप टर्मिनेट करना चाहते हैं, आप यहाँ यस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हाइपोथिकेशन की डिटेल्स आ गई है और यहाँ पर हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन डिटेल्स आ गई है, यहाँ पर टर्मिनेशन की डेट आ गई है। नीचे आएंगे यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिटेल्स आ गई है कि आप हाइपोथिकेशन टर्मिनेट कराना चाह रहे हैं, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। और देखिए यहाँ से आपको इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। इस फॉर्म को भी हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में ही सेव कर लेते हैं, सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ प्रिंट ऑनर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे और इसको भी सेव कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको रीनेम कर लिया और इसके बाद सेव। अभी हमारा फॉर्म पूरी तरह से फिल हो चुका है। अब देखिए हमारे पास यहाँ 8 डॉक्यूमेंट्स थे, इसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर आ गए हैं। एक फी रिसिप्ट आ गई है, इस पर क्लिक करके आप देख लीजिए, इसमें आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ी है। सेकेंड है यहाँ पर ऑनर डिटेल्स। ये सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के बाद आपको आरटीओ में जमा करने हैं। आरटीओ में जमा करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको न्यू आरसी मिल जाती है और वो आरसी हाइपोथिकेटेड नहीं होती है, यानी उस पर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं होता है। अब आप उसके पूरे ऑनर हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।